हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th के स्नैपशॉट का चौथा लेसन अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके जो राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगले हैं। तो अब देखिए, यहाँ से हम लोग अध्ययन करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 में, इनका जन्म 1879 में हुआ था। 1955 में इनकी मृत्यु हुई। इज रिगार्डेड, माने जाते हैं, एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, सबसे महान भौतिक विज्ञानी सिंस न्यूटन के बाद से। तो न्यूटन के बाद से सबसे महान भौतिक विज्ञानी के रूप में माने जाते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट है, आंसर है द यंग आइंस्टीन, युवा आइंस्टीन से लिया गया है। द वेल नोन, जो अच्छे से जाना जाता है, बायोग्राफर, जीवनी लेखक अच्छे से जाना जाता है। पैट्रिक प्रिंगले डिस्क्राइब द सरकमटेंसेस परिस्थितियों का वर्णन करते हैं विच लेड टू अल्बर्ट, जो अल्बर्ट को ले जाता है आइंस्टीन यस एक्सपेंशन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल, जो कि जर्मन स्कूल से उनको छोड़ना पड़ा था। मतलब जर्मन स्कूल, ये आपको घटना उस अल्बर्ट की उस घटना की ओर ले जाती है जो कि आइंस्टीन को जर्मन का स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो इसी पर आधारित है आपका लेसन कि अल्बर्ट के जीवनी जो थी वो 1879 से लेकर के जीवन काल जो उनका था 1879 लेकर के 1955 तक था, जो कि न्यूटन के बाद सबसे महान अगर भौतिक विज्ञानी पैदा हुए तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो ये जो आपका जो लेसन लिया गया है द यंग आइंस्टीन से, ये आंसर लिया गया है, जो कि जीवनी लेखक के रूप में अच्छे से जाना जाता है। और इसके लेखक पैट्रिक प्रिंगले हैं, जो कि अल्बर्ट के परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, जो कि अल्बर्ट जो आगे बढ़ता है तो उसको जर्मन स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है या उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो इसी पर हमारा रिलेशन का अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, इन व्हाट ईयर, किस वर्ष में आइंस्टीन किस वर्ष में, आस्क द हिस्ट्री टीचर, इतिहास के अध्यापक ने पूछा कि किस वर्ष में आइंस्टीन किस वर्ष में डिड द पर्शियंस डिफीटर द फ्रेंच एट वाटरलू। तो पर्शियन लोगों ने डिफीटर द फ्रेंच, फ्रांस के लोगों को वाटरलू के युद्ध में हराया। तो कह रहा कि पर्शिया के लोगों ने फ्रांस को वाटरलू के युद्ध में किस वर्ष में हराया। तो ये आइंस्टीन उत्तर दे रहे हैं, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता हूं सर। तो वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते, उसके सर पूछ रहे हैं। यू हैव बीन टोल्ड ऑफन एनफ, तुम्हें तो बहुत बार बताया गया है। तो ये फिर अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया था सर। तो फिर उसके डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, तो उसके आस्क द मिस्टर ब्राउन जो है वो पूछते हैं डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी लर्न करने का प्रयास किया। नो सर, अल्बर्ट आइंस्टीन का नो सर, नहीं सर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उत्तर दिया नो सर, नहीं सर, विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, ठीक है, सामान्यतः ईमानदारी के साथ, मतलब उसमें जो है थिंकिंग नहीं किया, बिना सोचे हुए ईमानदारी के साथ उत्तर दिया। तो उसके सर कह रहे हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं। तो आई कैंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट जो है, जो याद करने का जो डेट है उसकी कोई पॉइंट नहीं देखने को मिलता है। तो वन कैन ऑलवेज लुक,
देम अप इन बुक। तो कह रहे हैं कि वन कैन ऑलवेज लुक, कोई भी हमेशा देख सकता है इन देम अप इन ए बुक, किताब में, कोई भी हमेशा किताब में देख सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि इसमें लर्निंग जो पॉइंट का जो डेट होता है वो उसमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमेशा एक किताब में ही उसको देखा जा सकता है। मतलब जो कहने मतलब उसका है अल्बर्ट आइंस्टीन का, उसको कि वास्तव में दिखाइए उसको, जो जो लड़ाई हुई है उसको यहाँ लड़ करके दिखाइए, कहने मतलब उसका ये है। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट। तो मिस्टर ब्राउन जो थे वो स्पीचलेस आवाक रह गए, मतलब चुप हो गए फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो चुप हो गए। यू अमेज मी, तुम मुझे हैरान कर देते हो। ये उसके टीचर कह रहे हैं कि यू अमेज मी, तुम मुझे हैरान कर देते हो। आइंस्टीन तुम मुझे हैरान कर देते हो। ही सेड एट लास्ट, अंत में कहें, डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास नहीं होता है दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि अधिकतर जो बातें होती हैं हमेशा किताबों में ही दिखती हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल, जो सभी अप्लाइज होते हैं, तथ्य ये फैट तथ्य होते हैं। यू लर्न एट स्कूल, वो स्कूल में सीखते हैं, मतलब जो कुछ अप्लाइज हैं, जो कुछ भी अप्लाइज करना है उसको स्कूल में ही, उस तथ्य को स्कूल में ही लर्न कर सकते हो। तो यस सर, ये कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन, यस सर, हाँ सर। देन आई सपोज, तब मैं मानता हूँ, यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट, तो तुम लर्निंग फैक्ट को क्यों नहीं देख पाते हो। तो वो कह रहे हैं उसके टीचर, क्यों नहीं देख पाते हो। तो फ्रेंकली, स्पष्ट रूप से सर, मैं नहीं देख पाता हूँ, शेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा नहीं देख पाता हूँ। तो दैट देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो तब यू डोंट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करते हो इन एजुकेशन, शिक्षा में एट ऑल, बिल्कुल। तो कहने मतलब है ये है कि तुम शिक्षा में बिलीव ही नहीं करते हो, विश्वास ही नहीं करते हो। तो वो यस सर, अरे सर, आई डू, मैं विश्वास करता हूँ सर, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ लर्निंग फैक्ट कि सीखने का जो तथ्य है इज एजुकेशन, वो शिक्षा है, मतलब लर्निंग याद करना ही शिक्षा है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है, ये मैं थिंक नहीं करता हूँ। इन दैट केस, इस केस में, सेड द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री के टीचर, इतिहास के टीचर ने कहा, विथ हेवी सार्कास्म, सार्कास्म होता कटाक्ष करते हुए या व्यंग करते हुए, तो व्यंग, भारी व्यंग करते हुए हिस्ट्री टीचर ने कहा, परहैप्स शायद, यू विल बी सो काइंड, तुम बहुत दयाल हो, एज टू टेल द क्लास, क्लास में बताओ, द आइंस्टीन थियोरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत, मतलब आइंस्टीन के सिद्धांत, शिक्षा के सिद्धांत को बताओ, तो तुम्हारा सिद्धांत क्या है तो बताओ, जब तुम्हारा ही नियम चलेगा तो तुम अपना नियम बताओ। तो अल्बर्ट फ्लश्ड, इससे जो है अल्बर्ट जो है शर्मा गया, ये फ्लश्ड मतलब शर्माना, इससे जो है अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत शर्म हुआ, बहुत लज्जित हो गया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट्स नॉट फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है, दैट मैटर, उस मैटर का ये सच्चाई नहीं है, बट आइडियाज, लेकिन जो विचार होते हैं, तथ्य नहीं, विचार होते हैं। ही सेड, वह कहा, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग, मैं लर्निंग पॉइंट को नहीं देखता हूँ, द डेट्स ऑफ द बैटल, की लड़ाई का जो डेट है, लड़ाई के डेट को लर्न करने के लिए पॉइंट नहीं करता हूँ। आर इवन विच, और कितने,
द आर्मीज किल्ड, मारे गए मोर मैन, आदमी कितने मारे गए, इसका भी जो है मैं पॉइंट नहीं करता हूँ। आईड बी मोर इंटरेस्टेड, मुझे अधिक रुचि होती है इन लर्निंग, याद करने में। वाई वाई दोज सोल्जर्स, ये जो सैनिक हैं, आर ट्राइंग टू किल, मारने के प्रयास कर रहे थे इस अदर एक दूसरे को, तो ये कह रहा कि मुझे जो इंटरेस्ट होती है लर्न करने में कि ये जो सोल्जर हैं, ये जो सैनिक हैं, एक दूसरे को मारने के लिए क्यों प्रयास कर रहे थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये दैट्स एनफ मिस्टर ब्राउनिश आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल, तो इस पर तो उसके जो टीचर हैं मिस्टर ब्राउन का कहते हैं बहुत हो गया, दैट्स एनफ बहुत हो गया मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन की आइज आंखें जो थी वर कोल्ड, वो ठंड एंड क्रूएल और निर्दयी थी। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, तो उसकी टीचर ने कहा कि वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते हैं ए लेक्चर, कि तुम लेक्चर दो फ्रॉम यू, अपने से तुम अपने से लेक्चर दो, ये तुम्हारे लेक्चर को हम नहीं चाहते हैं। आइंस्टीन, ये तुम्हारे लेक्चर हम नहीं चाहते हैं। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, तो यू विल स्टे, आज तुम रुकोगे, इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड लेने के लिए टूडे, आज तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड लेने के लिए रुकना होगा। आइंस्टीन, ये आल्दो आई डोंट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं करता हूँ, इट विल डू यू मच गुड, इससे तुम्हारा भला होगा, इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड, स्कूल को भी भला होगा। ये कह रहे हैं कि मैं कल्पना नहीं करता हूँ कि इससे तुम्हारा भला होगा और इससे स्कूल का भला होगा। यू आर डिसग्रेस, तुम कलंक हो, तुम स्कूल में कलंक हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम स्कूल क्यों आते हो, तुम स्कूल क्यों आते हो। तो धन्यवाद, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।